सारी दुनिया नूं एक मैसेज देने वास्ते आंदे ने वी किस तरह तुसी जे राम जी आए ने ते राम जी बनवास गए ने तो कर्मा करके नहीं बनवास करके गए ने दुनिया का भला करने वास्ते सारे राक्षसां दा खत्म खात्मा करने वास्ते ऋषि मुनिया दे दर्शन करने वास्ते माता कहीं ने जुलम कमाया रामचंद्र नूं वन विच पहुंचाया कटे 14 साल बनिया कर्मां दा संसार बनिया कर्मां दा। मधु जी ठीक है कर्मा का हिसाब होंगे कर्मा का जरा सारी गल होंगी लेकिन उन्होंने पहले इन्ने सुंदर कर्म करके आप देवता बन जाते ने उत्थे अवतारी पुरुष जदों फिर ये अवतार या देवता संत पुरुष जदों धरती ते आंदे ना फिर उन्होंने कर्मा का बंधन नहीं है उन्होंने सारी दुनिया नूं एक मैसेज देने वास्ते आंदे भी किस तरह तुसी जे राम जी आए ने तो राम जी बनवास गए ने तो कर्मा करके नहीं बनवास करके गए ने दुनिया का भला करने वास्ते सारे राक्षसां दा खत्म खात्मा करने वास्ते ऋषि मुनिया दे दर्शन करने वास्ते पाप नूं ते खत्म करने वास्ते इत्थे उन्हां नूं पता सी इह जे कई माता क्यों कई माता ने कोई नहीं कीता सीगा देवत्यां ने सारिआं ने मिल के क्या महाराज सरस्वती मैया नूं क्या महाराज तुसीं कुछ करो किसे दे दिल च पाओ भी तां कि इहनां नूं राज तिलक मिलेगा तां फिर इत्थे राज बन के राजा बन के बैठे रहणगे प्रजा संभालदे ते जंगलां दे विच जिहड़े सारे ऋषि मुनी ने दुखी ने उहनां नूं कौन उहनां दा कौन ख्याल करेगा इस करके उहनां नूं इह पता सीगा ते सरस्वती माता आ के बैठ गई मथुरा जी दे मंत्रां दे जुबान दे उत्ते फिर कई नूं उन्होंने मतलब रगड़ा लिया ते यह सारा होया बनवास कर दिता ये कर्मा दे नाल नहीं होया ये उन्हां दी इच्छा दे नाल रब दी इच्छा नाल देवतियां दी इच्छा नाल अवतार जिहड़े आप आंदे ने संत लोग आंदे ने इन्हां ने आप दा इहदा एक किसम दे तां हैगे ने बाकी सारे रिश्तेदारी दे विच लैण देण हुंदा है वी ओह मतलब एक तुहाडा सैल्फिश मोटिव हुंदा है इहदे विच कोई सैल्फिश मोटिव नहीं हुंदा किसे जो जो उन्हां नूं उन्होंने एक मिल जाता है हाँ भी तू इनी संख्या तू इन्नी सारी संगत का तू ख्याल करना है इस पासे का तू ख्याल तो उन्होंने फिर ये धर्म बन जाता है संत जेड़े पूर्ण संत है वो फिर आपका सब कुछ आपके उत्ते हम कल भी आप परसों दस रहे थे नहीं भी आपके उत्ते कष्ट लै लेंगे ने जो भी कष्ट छोटे वे जिन्हें भी है वो डेंगू लड़िया से सहारनपुर वाले दस रहे थे ना राकेश जुनेजा जी डेंगू लड़ाया तो उन्होंने मारे उन्हों दो एक मिनट बस तो कितने कितने वो करके तो उन्होंने खतू आप दे उन्होंने पैग निशान ये संत आप दे उत्ते कष्ट ले लेंगे ठीक है ना सो ये लिखता भजन लेकिन कर्मा करके नहीं गए और जंगलों के राजा रामचंद्र जी महाराज रब आप आए ने धरती से वो सारे और ये सारे संत उत्थे तपस्या कर रहे होंगे ने तो उत्थे उन्होंने जो चुन उन्होंने कह दें भी तुम जाओ हम जाके उत्थे बेड़ा पार करो इन्नी संगतां दा साफ उन्होंने लिख दिया गुरु गोबिंद सिंह ने आपकी बाणी के साफ लिख दिता है कि मैं तपस्या कर रहा सी मेरा मन नहीं है धरती से आने से लेकिन मैनू उन्होंने कहा भी तू साजना जाके धर्म साज के आना है तू उ जाके सेवा करनी है सारी संगत की तुम आपके पापियां का नाश करना है ये जुलम दूर करना है अंत करना है इस करके आया साफ उन्होंने आपकी बाणी लिख दिता है भी असि तप कर रहे थे भी मैं हूं परम पुरख को दासा देखना आयो जगत तमाशा उन्होंने मतलब तपस्या कर रहे थे कहते मैं अकाल पुरख ने मैनू इथे कलिया से इस करके इन्होंने जिन्हें भजन जिन्हें बनाया मतलब पता होना चाहिए भी जेड़े ना इस करके संत लोग राम जी सीता माता से ये सारे जेड़े होर संत पुरुष ने जेड़े अवतारी पुरुष आए ने इन्हों कर्मां का कोई मतलब नहीं है इन्होंने कर्म करके नहीं आते सेवा कर रहे सारा उतारने वास्ते आते हैं इस करके इन्हें तो पहले इन्ने कर्म किए होंगे इन्होंने लोड़ नहीं है धरती से आने की मुक्त होंगे ने लेकिन उतो सब देने की ड्यूटी दे देते हैं महाराज चलो भी अकाल पुरख हाँ जी ये तुम जी इतने जाना है उन्होंने हाँ जी कोई गुलाटी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं मैं क्या लीला रचा रचा के साडे लोगां नूं चंगे राह पाण दे रस्ते कढ़दे ने ए लीला रचांदे ने रामचंद्र जी उहनां दे पिता श्री उहनां ने लीला रचाई सी ताकि साडे लोगां नूं सिख्या दे सकण ए लीला रचांदे ने ए कोई कर्मा वगैरा दे हिसाबां तो ए बहुत उत्ते हुंदे ने दस के जाने भी किवें भरावां नाल रहना किवें आपकी वाइफ दा तुसीं सम्मान करना किस तरह तुसीं
ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨਾ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨਾਹੀ ਬਦਲੇ ਕੀ ਹੋ ਕਾਮਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਮਾੜੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਚ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਓਮ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਜੋ ਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਕਲ ਜੰਜਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ।